डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, क्या मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या वाकई? मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा नथरी तुम्हें इन्फॉर्म कर देगी। हमेशा यही होता है मेरे साथ। क्या तुम्हें पियानो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? हाँ, जा रहा हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? एड्रियन घर से बाहर जा चुका है। तुम दोनों की आंखों में धूल झोंक कर जाओ, जाकर ढूंढो उसे। Radiant, carefree, dreamy, Adrian, the fragrance. एड्रियन, एड्रियन अग्रेस्ट, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओके बाय। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे मिलूं, और देखो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ एड्रियन। अच्छा, थैंक यू। एक सेल्फी हो जाए, मैं और एड्रियन एक साथ पोस्ट करता हूँ। रुको, इसे इंटरनेट पर अपलोड नहीं करना है। क्या तुम मेरी परफ्यूम की बॉटल पे मुझे ऑटोग्राफ दोगे? प्लीज। फिर किसी दिन, अभी मुझे जाना है। नहीं रुको एड्रियन, रुको। सर ऑटोग्राफ प्लीज। रेडिएंट, केयरफ्री, ड्रीमी, एड्रियन। मैरिनेट, मैं तुम्हारा 15 मिनट से वेट कर रही हूँ, आखिर तुम हो कहाँ? मैं सोच रही थी कि कौन सी स्विमिंग ड्रेस पहनूं। हाँ, और इस सब में तुम्हारी मदद कर रहा है एड्रियन। मैं बस आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ लिया। मैरिनेट रुको, मैरिनेट, मुझे लगता है तुम कुछ भूल रही हो। क्या मैं अपना स्विमिंग सूट लाना भूल गई? तुम करीब ही रहती हो ना, थोड़ी देर छुप सकता हूँ तुम्हारे घर? छुपना है मेरे घर? लेकिन क्यों, हुआ क्या है एड्रियन? बाद में बताऊंगा। फॉलो मी। बचाने के लिए शुक्रिया, मेरे नए ऐड के बाद बहुत सारे फैंस हो गए हैं। तुमने कोई ऐड किया है? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं। That's awesome. खैर अब क्या कहूँ मैं, बहुत अजीब लग रहा है सब कुछ। So embarrassing. मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए एड्रियन। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना? दरअसल मैं बगैर इजाजत लिए घर से बाहर निकला हूँ, तो वो इसीलिए मुझे ढूंढ रहा है। एड्रियन, वो भी फाउंटेन में। एड्रियन? फाउंटेन के पास? मैरिनेट के साथ? हाँ। I'm so sorry, तुम मेरी वजह से इस मुश्किल में फंस गई। लोगों को एक साथ हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। Oh no, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मेरा मतलब इतना भी बुरा नहीं। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो इसमें कोई छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो? तुम्हारे इस लकी चार्म के होते हुए कुछ बुरा हो सकता है क्या? हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो।
बॉडीगार्ड। तुम्हारा फोन। एड्रियन, तुम कौन हो? मेरा बेटा कहाँ है? फौरन फोन उसे दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। यस, मुझे पता चल गया वो कहाँ है। क्या आपको वाकई लगता है कि एड्रियन ही कैटनॉर है? नहीं जानता, लेकिन वो कुछ न कुछ छुपा रहा है। उसका बॉडीगार्ड उस पे नजर रखने में नाकाम रहा। अब आखिरी हल ये है कि सच्चाई जानने के लिए मैं कुछ करूं। नूरो, डार्क विंग्स, राइज। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? सड़क के पीछे कार पार्क करने का कौन सा तरीका है? ये चालान भरो। चलो उठाओ गाड़ी। एक और ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने की सजा जानते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है या नहीं? तो ठीक है फिर, सजा भुगत। हेलो, एड्रियन मिला या नहीं मिला? अगर एड्रियन नहीं एक मिला, चालान और क्या हुआ? ये सब चालान फौरन भरने होंगे वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। एक नाकाम बॉडीगार्ड जिसमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन भरा हुआ है, ये मेरा परफेक्ट शिकार होगा। जाओ मेरी ईवल बटरफ्लाई और उसे अपने कंट्रोल में कर लो। गोरियज़िला, मैं हूँ हॉक मॉथ। मैं ट्रैकिंग की ताकत दे रहा हूँ तुम्हें, जिससे तुम उस इंसान को ढूंढ सकते हो जिसकी तलाश है। अच्छा दिमाग चलाया तुमने, अब कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा। मगर थिएटर आने का आइडिया तो तुम्हारा था ना, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, सच कह रही हूँ। एक्चुअली मैं यहीं आने वाला था अगर वो फैंस डिस्टर्ब ना करते। थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। क्या तुम्हें मूवी देखने की भी इजाजत नहीं है? है, नेटली और अपने बॉडीगार्ड के साथ, मगर हॉरर मूवी नहीं देख सकता उनके साथ क्योंकि डैड ने मना किया है मुझे। ओह नो, ये हॉरर मूवी है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं देख सकती। डरो नहीं मैरिनेट, ये इतनी हॉरर मूवी नहीं है जितना समझ रही हो तुम। ये मेरी फेवरेट मूवी है, डैड ने इसकी डीवीडी छुपा दी थी इसलिए मैं यहाँ आया। और जानती हो, मेरी मॉम ने इसमें लीड रोल किया है। वाह, मुझे नहीं मालूम था। ये आज लास्ट शो है इसका और मैं इसे मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं डैड को बताए बगैर खामोशी से घर से निकल गया। और हाँ, ये काम तुम सीक्रेट रखे बगैर कर भी नहीं सकते थे। हाँ, बस इसी वजह से ये सब किया। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देख रहा हूँ। Radiant, carefree, dreamy, Adrian, fragrance. Oh, film शुरू हो गई। एड्रियन अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देख रहा है, वो भी हेलमेट पहनकर। ढूंढ लिया तुम्हें। हम फंस चुके हैं, अब क्या करें? एड्रियन, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। यू आर ऑसम। तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना? क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें तो सुनना ही चाहिए था ना, इनको जाने दो। गोरियज़िला,
तुम्हारे मिशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब एड्रियन को तब तक जाने मत देना जब तक लेडीबग और कैटनॉर ना आए। एड्रियन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। एड्रियन को मेरी जरूरत है। वो अकेली है। अगर एड्रियन ही कैटनॉर है तो उसे लेडीबग की मदद के लिए ट्रांसफॉर्म होना होगा। गोरिज़िला अटैक करो लेडीबग पे। कैटनॉर तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जल्दी आओ, मैं मोर प्रोनाउंस टावर पे हूँ। हेलीकॉप्टर? वैसे ये खेलने का वक्त तो नहीं लगता। जबरदस्त, अब लेडीबग से मिराकुलस ले लो जब तक कैटनॉर आता ही होगा। I'm sorry, लेडीबग। कोई बात नहीं, मैं इससे निपटने की कोशिश करती हूँ। लेडीबग को पकड़ो। Hold on. Sorry. एड्रियन को जाने दो। भागो एड्रियन, जल्दी। जल्दी जंप करो, please. Okay. अगर तुम थोड़ी देर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी एड्रियन। मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेडीबग के पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, मुझे उस पर भरोसा है। फिकर मत करो एड्रियन, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। मेरे बेटे, अगर तुम कैटनॉर हो तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। कम ऑन सन। लेडीबग को छोड़ दो। गोरिज़िला, इन्हें दोबारा पकड़ो, मगर इस बार कोई गलती नहीं। मुझे यकीन था तो मुझे कुछ नहीं होने दोगी माय लेडी। लेडीबग, तुम्हारी इयररिंग्स ब्लिंक कर रही है, क्या सब कुछ ठीक है? इसका मतलब यह है कि मैं ट्रांसफॉर्म होने वाली हूँ। बस कैटनॉर आ जाए, बस का इंतजार। तुम जाओ लेडीबग, इसे मैं देख लूंगा। नहीं, इसे मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ओके। चले जाओ यहाँ से। बहुत फ्रेश महकती हुई खुशबू। अब तुम एड्रियन तक नहीं पहुंच पाओगे। जाओ यहाँ से। मैं आ रहा हूँ एड्रियन। भाग गया। आखिर कहाँ होगी उसकी एबल बटरफ्लाई?
तुम ट्रांसफॉर्म होने वाली हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, तब तक शायद कैटनॉयर भी आ जाए और। लेकिन मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स, समझ गई क्या करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी सेफ्टी भी जरूरी है। इस वक्त मैं सबवे स्टेशन पे हूँ कैटनॉयर, मुझे तुम्हारे कैटेक्लिज्म की जरूरत है, जल्दी आओ यहाँ। और अगर कैटनॉयर ना आ सका तो? वो जरूर आएगा, आई ट्रस्ट हिम। हाँ तुमने सही कहा, वो जरूर आएगा। क्या तुम हर वक्त हीरो बन के बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो? एक ही वक्त में एड्रियन और कैटनॉयर कैसे बनोगे तुम? बस तुम देखते जाओ ब्लैक। रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आ रहा है, कहाँ रह गए हो तुम कैटनॉयर? आओ, आ जाओ। बच्चों को परेशान करना अच्छी बात नहीं। फिक्र मत करो एड्रियन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एड्रियन और कैटनॉयर एक साथ, मतलब मैं गलत था। तो ठीक है फिर, गोरिज़िला कैटनॉयर को पकड़ो और उसका मिराकुलस छीन लो। मिस कर दिया, बच गया। पकड़ के दिखाओ मुझे, थक गए क्या? अब बताता हूँ मैं तुम्हें। This is Cat Noir talking. क्या आपने कोई बड़ा गोरिला ऑर्डर किया था? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे किटी। एड्रियन कहाँ है? वो सेफ है। I'm very sorry, लेकिन मुझे तुम्हारे पॉकेट की तलाशी लेनी होगी। तो यहाँ हो तुम। अब और बुरे काम नहीं करते बटरफ्लाई। कर दिखाया। कुछ ही दिन में मालूम कर लूंगा कि लेडीबग और कैटनॉयर कौन है, और उसके बाद फिर वो मुझसे नहीं बच पाएंगे। एड्रियन, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक है ना? वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक मिनट भी नहीं रुकता यहाँ, और शायद तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा सीक्रेट किसी को मालूम हो। बाय एड्रियन, बाय किटी, फिर मिलते हैं। अब तुम भी जाओ, मदद करने के लिए शुक्रिया एड्रियन। वाओ, मैंने एड्रियन और पेरिस को बचा लिया उस बड़े बंदर से। मुझे यकीन था तुम ये कर सकते हो। मैं अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और इसलिए भी कि मैंने तुम्हें अपनी जगह भेजा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से तो मुझे सब एड्रियन समझ रहे थे, मेरा तो ख्वाब पूरा हो गया। अब तुम्हारी जो पिक्चर मैंने इंटरनेट पर डाली उसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हारी ईमेल आईडी? हाँ, और अगर तुम इस तरह से मेरे पीछे भागना छोड़ दोगे तो शायद हम दोस्त बन सकते हैं। प्रॉमिस, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं एड्रियन के साथ मूवी देखने गई थी। Oh no, मैं एड्रियन के साथ गई मूवी देखने, वो भी इन कपड़ों में। Oh my God, टिकी, ये कैसे हो सकता है? और वो फनी ग्लासेस। आलिया। ओके मैरिनेट, तुम्हारी पिक्चर्स बहुत जबरदस्त आई हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ, जाहिर है, कैसे समझ में आएगा? मैं चेंज करके अभी आती हूँ। एक मिनट, तुम लोग हो कहाँ? हम अभी भी स्विमिंग पूल पर हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बैठ जाओ एड्रियन। तुम्हें पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी डैड, लेकिन आप बिजी थे, मैं क्या करता? बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि आपके पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए बेटा, फैमिली में एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी होता है। देखो एड्रियन, अगर तुम मुझसे बातें छुपाओगे तो मैं भी कुछ ना कुछ गलत समझने पर मजबूर हो जाऊंगा। सही कहा डैड, थैंक यू।